Like a bell cut. तो गाइस आज हम प्रीव्यू करने वाले हैं एक ऑप्टिफाइन का। हाँ ऑप्टिफाइन, ठीक है। उस ऑप्टिफाइन का नाम है ऑप्टिनाइस, ठीक है, जो एक यूट्यूबर ने बनाया है। उस यूट्यूबर का नाम है LAMC, ठीक है, LAMC। तो उसका यूट्यूब का लिंक मुझे दे दूंगा और इस ऑप्टिफाइन का भी नीचे लिंक दे दूंगा। और गाइस मैंने जैसा अपने वर्ल्ड अपने क्या बोलते हैं अपने वीडियो में बताया, बेस्ट ऑप्टिफाइन फॉर MCPE ? हाँ, मेरे को लगता है ये बेस्ट ऑप्टिफाइन है MCPE के लिए। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। तो मैं 3 पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है FPS बूस्ट, दूसरा ग्राफिक्स, 3 एक्सपोज टाइप से। ये कैसे करता है और कैसे नहीं करता है पूरी चीज़ें बनूंगा मैं एंड में, जो मैंने खेल रखा है इसका। सबसे पहली बात आती है FPS बूस्ट, ओके। तो क्या ये FPS बूस्ट देता है? बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये बिल्कुल भाई बहुत लैग, बिल्कुल लैग नहीं करता इसका, ठीक है। और ठीक ठाक ग्राफिक्स भी बिल्कुल लैग नहीं। हाँ, थोड़ा फ्रेम ड्रॉप हुआ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बिना रिकॉर्डिंग के लैग नहीं, तो तुम खेल के देखना, ठीक है। अब मैं FPS बूस्ट को ज़्यादा कवर नहीं करूँगा क्योंकि सबका डिवाइस अलग अलग होता है, सबका FPS बूस्ट अलग अलग आएगा, अलग अलग होएगा, जितना फ़र्क पड़ता है रैम से वगैरह। मैं इसके बारे में ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, पर ग्राफिक्स उसके बारे में बहुत सी मैं चीज़ें कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं सबसे पहले तुमको पूरा टूर दे देता हूँ, ठीक है। अपना ना ऑन कर कर अपना F1 मैं सॉन्ग लगा दूंगा, फिर सॉन्ग वैसे चल ही जाऊंगा मैं, फिर उसके बाद अपना ओपिनियन दूंगा। तो गाइस तुमने पूरा देख लिया होगा, मैंने तुमको दिखा दिया होगा। अब देख लेते हैं नाइट में क्या होता है, ठीक है। नाइट मैंने कर दिया है, ऐसी दिखती है नाइट, नॉर्मल नाइट है, जैसे हमको नॉर्मल दिखती है ना माइनक्राफ्ट, वैसी ही ना इसकी नाइट है। देख लो सुबह भी ऐसी है पूरी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सनसेट भी थोड़ा ऐसा ही है, पर मैं अभी दिखूंगा नहीं क्योंकि ऐसे ही है नॉर्मल, ठीक है। मैंने तुमको पूरा रिव्यू दे दिया है और ये वर्ल्ड मैंने बनाया है। हाँ बोलना मत कमेंट सेक्शन में, ये मेरे काम है, ठीक है। और तुमने देखो, पर मैं कहूँगा ये जो ग्राफिक्स हैं, आई मीन ये अच्छे भी नहीं है इतने और बुरे भी नहीं है। स्वॉर्ड के जो हैं स्वॉर्ड वो थोड़े बेकार हैं, हाँ वो थोड़े बेकार हैं। बाकी जो पिकेक्स के हैं बुरे नहीं हैं, और बाकी ये अदर टूल्स के वो बुरे नहीं हैं, मैं नहीं बोल रहा। पर हाँ मतलब ठीक ठाक ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स मैं दूंगा, मैं इसकी रेटिंग मैं दूंगा 6 out of 10, ओके 6 out of 10 ग्राफिक्स में, ठीक है। और वाटर क्लियर है, देख लो वाटर पूरा क्लियर है, ठीक है। अब गाइस बात आती है सबसे मेन, ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ओके। तो ये ग्राफिक करता, ये कैसे करता है ये ऑप्टिफाइन, ठीक है। और मैं बता दूँ, ये तुमको है ना डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिर बता दूँ मैं, ओके। दूसरी बात अब देखते हैं, सबसे पहला इसका पॉइंट एक्सपोजिंग का, कि ये अपना रेंडर चंक डिस्टेंस बिल्कुल कम कर देता है। मैं इतना सा दूर गया अपने उससे और इसने मेरा रेंडर चंक डिस्टेंस इतना कम कर दिया, क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिफाइन में बिल्ट इन है कि हाँ
इसमें ये ऐसा ही होगा, इसके अंदर ये ऐसा ही होता है। तुम भले ही अपना रेंडम चंक डिस्टेंस 11 कर दो ना, 11 चंक्स, तब भी तुम्हारा इतना ही चंक डिस्टेंस रहेगा, पर तुम्हारा गेम लैग होएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये ऑप्टिफाइन के अंदर ऐसा ही है। और सोचो तुम लोग अगर एक्सप्लोरिंग पे जा रहे हो, समझ लो तुम लोग अगर एक्सप्लोरिंग पे जा रहे हो, तुम ऐसे घूमने जा रहे हो, फिर तुम कैसे करोगे पता ना? तुम अपना घर घर तो भूल जाओगे ना। बहुत लोग होते हैं माइनक्राफ्ट में जो अपना घर भूल जाते हैं आते आते, मैं भी उनमें से एक हूँ। पर क्यों नहीं भूलता? क्योंकि भाई उसके अंदर अपना जेंडर चंक डिस्टेंस दूर में घर दिख जाता है, पर अगर इसके अंदर अपना घर ही नहीं दिखेगा दूर से, तो अपना घर तो गया। और सोचो उतना इम्पोर्टेंट होगा तो क्या करेंगे बताना? तो मैं कहूँगा अगर एक्सप्लोरिंग के लिए तुम लोग जा रहे हो तो ये ऑप्टिफाइन बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं इसको दूंगा 1 out of 10। 1 out of 10 इसलिए क्योंकि 1 भी इसलिए हो चुकी है, यूट्यूबर ने बनाया है, रैम कर दिया मैंने इसमें। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट आती है इसके ग्राफिक्स। इसने इस ऑप्टिफाइन ने अपने ग्राफिक्स थोड़े कम कर दिए, थोड़े क्या बहुत कम कर दिए। और इसने बिल्कुल जो काम के ग्राफिक्स थे ना, जो बिल्कुल काम के नहीं है, फैंसी, उसने इस ऑप्टिफाइन में पूरा हटा दिया है। पर थोड़ी चीज़ों को अच्छा भी रखा है, जैसे इसके जैसे, और ये ग्रास जो है नॉर्मल, पर हाँ आई मीन कुछ ऑप्टिफाइन है, ठीक है कुछ, तो उसने ऐसे अच्छा ऑप्टिफाइन है। इसमें ग्राफिक्स के अंदर एक्सपोजिंग में थोड़ा मैं दूंगा उसको, मैं दूंगा ऑलमोस्ट सबके कम कर ही दिए जो फालतू। अब तुम्हें ना नेदर पोर्ट के ग्राफिक्स थे अंदर, तुमको दिखाने चलता हूँ, मेरे को दिखाने चलता हूँ। अच्छा इफेक्ट आता था पूरा बाहर आते आते, तो उसने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, एकदम पानी जैसा लग रहा है, ठीक है ऐसा। तो ये था गाइस पूरा एक्सपोजिंग का पार्ट, और वीडियो ख़त्म हो चुका है। ठीक है गाइस, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मतलब लास्ट में आउटरो बचा है, तुमको देखना है तो देख लो। और मैं 6% बैटरी बची, मुझे एडिटिंग करनी है। ठीक है गाइस, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कोई वीडियो पसंद आया करो हुआ। और गाइस मैं किसी को हेट नहीं दे रहा हूँ, मैं इस ऑप्टिफाइन पे मैं बता रहा हूँ, ना ही उस यूट्यूबर ने जिसको बनाया है, उस यूट्यूबर ने बहुत अच्छा क्लाइंट बनाया है। स्पेशली अगर आपका 2-3 GB रैम का फ़ोन है, और अगर आप क्रिएटिव मोड खेलते हो, सर्वर्स पे खेलते हो, या फिर PvP खेलते हो, या फिर आप इतना दोस्तों का खेलते हो ऐसे मस्ती में क्रिएटिव मोड, तो ये क्लाइंट आपके लिए बेस्ट है। मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बेस्ट क्लाइंट है। मैं तो मेरे को सर्वाइवल वर्ल्ड पसंद है, जिसके अंदर सर्वाइवल हो पूरा, दोस्तों का सर्वाइवल, मेरे को मैं वो टाइप का हूँ। ठीक है, तुम लोग अलग हो, तुम सब सबकी पर्सनैलिटीज अलग होती है, ठीक है। और तुम, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को स्काई वॉर्स खेलना पसंद है, मैं जानता हूँ। तो अगर तुम स्काई वॉर्स के प्लेयर हो, बेस्ट क्लाइंट भाई मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे बेस्ट क्लाइंट है बिल्कुल। तुमको चंक्स का कोई मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंदे हैं वो पास में आके ही मारते हैं, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है चंक्स के अंदर इसके अंदर, ठीक है। तो तुम्हारे लिए बेस्ट है, ठीक है, तुम डाउनलोड कर लो उसको। मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, तुम डाउनलोड कर लेना, मीडिया फायर की दे रखी है, चिंता मत करो, आराम से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर तुमको नहीं डाउनलोड करना आता, इजी है भाई, तुमको मीडिया फायर पे क्लिक करना है, उसका वो रेड वाला बटन आएगा, और वैसे हाँ ठीक, बाद मत करेंगे, रेड वाला बटन आएगा, रेड जो भी कलर है उसको दबाना है, फिर तुम्हारा ऊपर एक ऑप्शन आएगा, ऊपर यहाँ पे से तो यहाँ पर देख रहे ना, ये यहाँ पे आएगा, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पास में उसके राइट में डिटेल्स, उसको क्लिक करना है, फिर तुम्हारा तुम एक डाउनलोड सेक्शन में चले जाओगे, वहाँ पे सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी जो तुमने डाउनलोड कर रखी है, फिर वो अपने ना इसको डाउनलोड होने देना है। फिर अगर तुम्हारे पास zip फाइल आई है .zip, तो उसमें 3 dot में जाना, वहाँ पर 3 dot दिखेंगे एंड में, उसमें वहाँ पे क्लिक करना, वहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें दबाना रीनेम, रीनेम पे एंड में कर देना MC Pack, ठीक है, ये कर देना, समझ लो तुम्हारा है ऑप्टी
nice.zip, ठीक है, तो तुमको दबाना है, 3 डॉट का ऑप्शन आएगा वहाँ पर, तुमको उसको कर देना है MC pack, MC pack, ठीक है, optinize.mcpack, ठीक है, फिर तुमको उस optinize के आगे वाले बटन उसको क्लिक करना है उसके ऊपर, तो यहाँ पास ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, एक होगा ब्राउजर वगैरह, तो सबसे आगे तुम्हारा ऑप्शन आएगा माइनक्राफ्ट, माइनक्राफ्ट में दबाना है, फिर तुम्हारा इंपोर्ट हो जाएगा और तुम लगा लेना आराम से, ठीक है, तुम इन्जॉय करना फिर। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैवी, और तुमको अगर पसंद है तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करो ऐसे और मॉड्स चाहिए तो, और अगर इस वर्ल्ड का डाउनलोड ले चाहिए जिसके पीछे खड़ा हूँ, तो इस वीडियो पे लाने चाहिए 20 लाइक्स, फिर मैं इस वर्ल्ड का डाउनलोड लिंक दे दूंगा, मुझे आता है करना, और इस वर्ल्ड को और अच्छा बना दूंगा, ठीक है। गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, तो गाइस टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। हे गाइस, दिस इज मेंटर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, रिंग द नोटिफिकेशंस टू ऑल नोटिफिकेशंस, लाइक माय वीडियो, बाय गाइस।